अकोला के काफसी तालाब में विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ये विदेशी पक्षी यूरोप से एशिया खंड में दाना पानी की तलाश में आते हैं। अकोला के काफसी तालाब पर विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। वर्तमान समय में यहाँ बार हेडेड गुज अर्थात राजहंस, प्रेटिन काले अर्थात आर्ली पक्षियों के झुंड यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये विदेशी पक्षी हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ आते हैं। पक्षी अभ्यासकों के अनुसार ये पक्षी मंगोलिया से अन्न की खोज में आते हैं। इस समय विदेशों में बर्फवृष्टि के कारण पक्षियों को अन्न खोजना मुश्किल हो जाता है। अत्यधिक ठंड के कारण ये पक्षी गर्म प्रदेशों की ओर आते हैं। ये पक्षी यूरोप से एशिया की ओर स्थानांतरित होते हैं। एशिया में इन पक्षियों को बड़े पैमाने में अन्न के साथ जल क्रीड़ा के लिए जलाशय उपलब्ध रहते हैं। जब तक इन पक्षियों को अन्न मिलता रहेगा, ये पक्षी यहाँ डेरा डाले रहेंगे। जैसे जैसे जलाशयों का जल स्तर कम होने लगता है और दलदली भाग तैयार होता है, उस समय अन्य प्रजाति के विदेश पक्षी भी आ सकते हैं। विदेशी पक्षियों के आगमन के कारण पक्षी अभ्यासकों, पर्यावरण प्रेमियों का जमावड़ा काफसी परिसर में लगने लगा है। अकोल्यापासून 18 ते 20 किलोमीटर अंतरावरती कापसी तलाव, या कापसी तलावरती विदेशी पक्ष्यांचं आगमन झालेलं आहे। बार हेडेड गुज म्हणजेच राजहंस, आर्ली असे अनेक पक्षी तिथे आलेले आहेत आणि ही पक्षी अभ्यासक, पक्षीप्रेमी आणि निसर्गवेड्या माणसांकरता एक पर्वणीच आहे। प्रत्येकाने या तलावाला भेट देऊन एक संहिता पाळावी। पक्षी निरीक्षण करताना निसर्गाशी समरस असे कपडे आणि तिथले नियम पाळावेत जेणेकरून आपल्या मनाला आनंद मिळेल। यावर्षी महाराष्ट्रात पावसाचं प्रमाण भरपूर असल्याकारणाने सगळ्याच पाणवठ्यांवर अतिप्रमाणात पाणी आहे आणि पक्षी निरीक्षणासाठी किंवा मायग्रेटरी बर्ड्सचा अभ्यास करण्यासाठी आम्ही दरवर्षी हिवाळ्यात सगळेच पक्षी मित्र जिल्ह्यातल्या पाणवठ्यांवर जात असतो। त्याच अनुषंगाने आज आम्ही इथे आलो तर इथे आम्हाला बार हेडेड गूज म्हणजे ज्याला मराठीत राजहंस म्हणतात त्यांचं ते आढळून आले 30 संख्येत, पण इतर मायग्रेटरी पक्षी जे आहेत ते अजून नाही आहेत। साधारण मार्चच्या दरम्यान इथे पक्षी वाढण्याची शक्यता आहे